बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर YouTube चैनल में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये BSc थर्ड ईयर वालों का बॉटनी का सेकंड पेपर है 2022 का, और ये बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, इसी टाइप के यूनिवर्सिटी जितनी भी यूपी की आल यूनिवर्सिटियाँ सभी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर ध्यान से देख लेना, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन हमने बताए थे वो पेपर में आया नहीं, पूरा आपको यहाँ पूरा सोल्यूशन करूंगा। और एक बात याद रख लेना, एक हमारा न्यू चैनल हमने अभी लॉन्च किया है, एक न्यू चैनल खोला है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ। जी हाँ, खिलाड़ी भैया XYZ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्लीज यार, ठीक है? आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे खिलाड़ी भैया XYZ न्यू चैनल को, ओके? जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप यहां देखिए ध्यान से, ये बोल रखा है कि BSc थर्ड ईयर वालों के लिए बॉटनी का सेकंड पेपर है। अब यहाँ देखिए 75 नंबर का पूरा पेपर हुआ है, 3 घंटे में इसका सोल्यूशन कर रहा था। अब मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाला हूँ कितने क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे वो पेपर में आए। देखिए मैं आपको जो बताता हूँ भाई पेपर में आता है, फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात को याद रखना है आप सभी को, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है। देखो यहाँ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 50 वर्ड पे आंसर देना होता है, जिसके आपको मतलब कह रहा है कि आपको 1.5 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। यदि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो देखो न्यूक्लियोसाइड जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया पूरा क्वेश्चन वही आया है, ठीक है? और देखो ये है एलोस्टिक प्रभाव इफेक्ट से बोलते हैं, और डीएनए के बारे में देखो ये पूरा क्वेश्चन वही आ गया, डीएनए जो पॉलीमेजर होता है उसके बारे में पूरा क्वेश्चन वही फंसा है, ठीक है? देखो प्यूरीन नहीं दिया था, इसको छोड़ दीजिए, ये भी चक्कर मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया। एटीपी पूरा इंपोर्टेंट है, देखो जो क्वेश्चन दिया था मैं टिक लगा रहा हूँ यहाँ पूरा फंसा है। और देखो यहाँ है लाइगेज की बात बोलेगा, ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया था। उसके बाद में नीचे जाते हैं और देखो ट्रांसजेरिक की बात करें, ये पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, टी ट्रांसफर RNA mRNA पूरा क्वेश्चन वही फंसा है, ठीक है? ऑसोमेटिक हाइड्रो कह सकते हैं हाई वेरिलाइजेशन के बारे में इंपोर्टेंट नहीं दिया था, इसको छोड़ दीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपके फंसे हैं, तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन देख लीजिए, और ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा 3 क्वेश्चन, और ये ऊपर देखिए ये 4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, ठीक है, और ये देखिए 6 क्वेश्चन, 6 फंसे हैं, और 6 से हम 1.5 के साथ भाग गुणा करेंगे, 6 और 3 हो जाएंगे 9, 9 नंबर के आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में नीचे जाते हैं, 9 नंबर यहाँ क्लियर हो चुके हैं, और उसके बाद में आप देख सकते हैं, देखो कोई क्वेश्चन वंचित हो जाता है, मतलब कि नहीं भी हमें पता नहीं है और आपको पेपर में अचानक आ गया, तो आप उसको बना बना के करके आइए, छोड़ के कोई भी क्वेश्चन को नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑल क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। और यहाँ बोला गया 200 वर्ड में लिखना है, मतलब कि ये जो पेज होते हैं 2 पेजों को आपको भरना पड़ेगा इधर उधर से, मतलब कि 1 पेज को इधर से और इधर से दोनों साइड से भरना है, 200 वर्ड आराम से आ जाएंगे। आपको 5 नंबर का देख रहे हो, मतलब 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8-8 नंबर के, 40 नंबर के हो जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है, जो मैंने को इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, देखिए गुप्त देखो गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में संकल्पना, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है, 8 नंबर का देखिए क्वेश्चन आ गया। आप ये ना करना चाहें तो इसके अथवा क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिए ये बोला गया है विकर की क्रियाविधि नहीं दिया था, छोड़ दीजिए, विकर की क्रियाविधि के बारे में बोला ही नहीं था मैंने, एंजाइम एक्शन छोड़ो। तो पहला क्वेश्चन मुक्त गिब्स ऊर्जा संकल्पना के बारे में पूरा क्वेश्चन फंस गया, देख लीजिए। उसके बाद जेनेटिक कोड, ये तो मैं हर साल इंपोर्टेंट देता हूं क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 नंबर का देखो ये फंसा है। प्रोटीन का संश्लेषण क्रियाविधि आप ये कर सकते हैं, ये ना करना हो तो ऊपर वाला। उसके बाद में नीचे देखिए, नीचे आपको देखो ऊष्मा गतिकी के विभिन्न नियम, ऊष्मा गतिकी के 3 नियम थे, तीनों नियम को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, देखो यहाँ फंस गया। कोशिका के उपचायक की जो ऊर्जा उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसके पदार्थों का वर्णन के बारे में, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन करना, नीचे वाला पूरा 8 नंबर का फंसा है, देख लीजिए ध्यान से मेरी बात को समझना, 5 क्योंकि 5ों क्वेश्चन फंसे हैं। देखो यहाँ बोला गया है चक्रीय AMP की विवेचना, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया, लेकिन ये आप देखिए ये बोला गया है जो सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है, देखो सेकेंडरी मैसेंजर मैन सब सेकेंडरी मैसेंजर का पूरा आपको बताना है, और जो सिंगल जो ट्रांस कह सकते हैं जो सिंगल जो होता है, ठीक है, सॉरी सिग्नल जो होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं इसको, उसकी भूमिका के वर्णन के, लेकिन ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं पूरा फंसा है, आप देख सकते हैं ध्यान से, मैंने जो क्वेश्चन दिए वही बहुत आ रहे हैं। और यहाँ देखो विक्रम के, इसको मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया, छोड़ दीजिए। एंजाइम एक्शन के बारे में मैंने कभी नहीं बताया था आपको, एंजाइम एक्शन ये नहीं बताया था, लेकिन उसके बारे में नीचे देखिए यहाँ बोला गया है जो जीन है, ठीक है, कह सकते हैं अभिव्यक्तियों के जो जीन अभिव्यक्ति कह सकते हैं उनके जो विनिगमन होता है उनकी विवेचना के लिए आपसे पूछता है, प्रोसेसिंग के बारे में पूछता है, एक्स प्रोसेसिंग क्या होता है जीन का, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया था अभिव्यक्ति के बारे में, लेकिन जीन के बारे में जरूर बताया था, लेकिन अभिव्यक्ति के बारे में तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो यहाँ बात करने वाले हम 4 क्वेश्चन फंसे हैं और 8, देखो यहाँ आपके कितने थे, कितने नंबर का था एक बार देख लेते हैं, टोटल जो आपके नंबर थे वो थे बेटा यहाँ से देखिए
आठ बजे 40, चार पांच क्वेश्चन पूछे गए थे, आठ नंबर का एक क्वेश्चन था, 40 नंबर का था, मतलब कि आपके 32 नंबर यहाँ चार क्वेश्चन फंसे हैं, आठ चौक 32, मतलब कि चार आपके 32 नंबर के यहाँ फंस चुके हैं, नौ वो कितने हो गए टोटल आपके हो गए 41 नंबर, 41 नंबर का अब तक क्वेश्चन पेपर फंस चुका है। हम नीचे जाते हैं हम लोग, ठीक है ध्यान से देखेंगे, 41 नंबर के फंस चुके हैं। हम चलते हैं लॉन्ग में, लॉन्ग में क्या क्या पूछा गया, देखिए 2023 आप पेपर देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, आप याद रखना 2023 वाले देने वाले, 2022 का पेपर है, पूरा पेपर लीक हुआ है, इस वजह से कह सकते हैं। ये क्वेश्चन यदि देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, 10 नंबर का है, दो क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 नंबर के हो जाएंगे, 500 वर्ड का मतलब होता है कि आपको एक पेज भरना है, मतलब कि ढाई से तीन पेज भरने होते हैं, मतलब कि तीन पलट जो होते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से उसके बाद इधर से और इधर से, तीन पेज भर दीजिए काम हो जाएगा, ठीक है लॉन्ग में ये होता है। अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो प्रोटीन के बारे में पूछा गया है कि उपरोक्त चित्र की सहायता से प्रोटीन के विभिन्न द्योग संरचनाओं के बारे में बताइए, पूरा क्वेश्चन बसा है प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे मैं हर बार में देता हूँ आपको बताया। अब देखो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है जो आपको बताया था, पूरा क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। यहाँ देखिए बायोटेक्नोलॉजी इन हार्ट केयर क्या होता है, जैविक प्रौद्योगिकी के बारे में, सुरक्षा भूमिका के, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा, देखो एक क्वेश्चन ये फंसा, जो चाहे आपका दिल करता है वो क्वेश्चन करिए, ठीक है। और देखो एक कल्चर पूछा गया है, हैपोइड कल्चर के बारे में नहीं दिया था, और ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था, लेकिन जीन स्थानांतरित विधि के बारे में, जीन का स्थानांतरित विधि, जीन ट्रांसफर क्या होता है, देखो पूरा क्वेश्चन भाई फंसा, उसको निबंध लिखिए, ये क्वेश्चन फंस सकते हैं आप लगा दो, पांच क्वेश्चन देखो, छह क्वेश्चन पूछे गए थे, पांच क्वेश्चन फंसे हैं आप लगा लो, अब जब पांच क्वेश्चन फंसे हैं केवल दो ही दो क्वेश्चन कर रहा है, जो आपका दिल करे कर दीजिए, 20 नंबर का ये हो जाता है, 41 नंबर के पहले फंसे थे, 20 और 41 तुम्हारे होते हैं 61, 61 नंबर आए हैं 75 में से, आप लगा लो 61 नंबर आए हैं 75 में से, ध्यान से देख लो 75 का था 70 का था, दोबारा से देख लेते हैं कितने नंबर का पेपर था, देखो तुम्हारा जो पेपर था वो बेटा 75 नंबर का था, 75 नंबर का था और 75 नंबर का पेपर था, उसमें से आपके 61 नंबर आए हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, 61 नंबर का फंसा है, तो आप लगा लीजिए, अंदाजा लगा सकते हैं, तो आपको 6100 को भाग देना है 75 से, आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। जब आप भाग दोगे 61 से इसको, तो आपका निकल के आएगा 81.33, इस तरीके से आएगा, तो 81.33 परसेंटेज फंसा है यहाँ से, तो जो हम बोलते हैं ना वही होता है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, भरोसा करिए पेपर हैकर पर, और न्यू चैनल जो है खिलाड़ी भैया XYZ, उसको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आप याद रखना यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप बस ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 100% यहां से क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके।